इस वक्त की एक बड़ी फेकिंग न्यूज प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ी है। हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने हिंदू होने का सबूत मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा में डुबकी लगाकर दिया था। अब एक बार फिर सरस्वती पूजा के मौके पर भी मिसेज वाड्रा ने ट्विटर पर अजीबोगरीब कहानी शेयर कर खुद को हिंदू होने का दावा किया है। प्रियंका गांधी ने बताया कि बसंत पंचमी के अवसर पर उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी स्कूल जाने से पहले जेब में पीला रुमाल डाल देती थी और आज भी ये परंपरा उनकी माँ सोनिया गांधी निभा रही हैं। और बसंत पंचमी के मौके पर वो सरसों का फूल मंगाकर घर को सजाती हैं। अच्छा होता मिसेज वाड्रा अगर घर की सजी तस्वीर भी शेयर करती। खैर, अपने हिंदू होने का इतना बड़ा सबूत देने के बाद अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि नवरात्रि में प्रियंका अब लोगों को बताएंगी कि कैसे वो 9 दिनों तक निर्जला व्रत रखती हैं। यही नहीं, बहुत जल्द प्रियंका ये भी दावा कर सकती हैं कि उनके पिताजी उन्हें रामायण और गीता पढ़ाते थे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की सब बातों का आगामी चुनाव से कोई नाता नहीं है, बाकी आप खुद समझदार हैं।